बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल स्टेज विद नौरीन बख्शी आमदेद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सीक्रेट पेंट स्टिचिंग जो है वो करना सिखाऊंगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपने ये ट्राउजर है इसकी ये आसन वाली सिलाई को ये वाली ये स्टिच करनी है, ठीक है? दोनों के अलग अलग ये सबसे पहले मैं ये स्टिच करूंगी। इसी तरह ये मैं दूसरी को भी सिलाई लगा लूंगी। अब ये दोनों साइडों की जो सिलाई है वो लगा लेंगे इस तरह ओपन करके, ठीक है? और इसकी भी ये देखे, इस साइड की सिलाई को ऐसे मुकम्मल सिलाई दोनों तरफ मैं लगा लूंगी। ये जो है ये हमारा 2.5 इंच टर्न करने का निशान है और ये मैंने 2 इंच जो है वो पांचे को ओपन करना है। तो ये जहां तक ओपन करना है यहां तक ये मैं स्टिच करूंगी, ठीक है? उससे आगे नहीं करूंगी। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूंगी। ये साइडों की सिलाइयां स्टिच करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बेल्ट तैयार करूंगी, ठीक है? अब ये मैं 13 इंच लंबाई मैंने इसकी इलास्टिक की ली है और 12 इंच जो है वो मैंने फ्यूज पेपर की ली है। अब इसे मैं आपस में इस तरह सिलाई लगा लूंगी, गोल कर लूंगी। अब ये इस तरह करके हम इसको ऐसे और ये इसका सेंटर ले लेंगे, ठीक है? अब ये फ्रंट वाली साइड की सिलाई को, आसन की सिलाई को हम इस तरह ओपन कर लेंगे और ये जो हमने गोल इलास्टिक की है, ठीक है, इसका इस तरह सेंटर करके डाल के ऐसे ऐसे सेंटर लेके इस सेंटर को हमने ऐसे इस पे इस सिलाई पे सेंटर पे रखना है, ठीक है? और दोनों तरफ से ऐसे आयरन कर लेना है ऐसे, ठीक है? ये आयरन करके ये इसको प्रेस करके और इसे ये पेस्ट हो जाएगा, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखे, ये जो आसन की सिलाई है इसको इस तरह ओपन कर लिया और इसका भी ऐसे सेंटर ले लिया। अब ये सेंटर को हम इस तरह रख के ऐसे पहले इस साइड से आयरन करेंगे। अब हमने इस साइड से भी इसी तरह आयरन कर लिया। अब आयरन करने के बाद हमने ऐसे इसको यहां से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके अब ये जो है ये हम इस तरह, ये हमारे पास गोल जो है ये इलास्टिक इस तरह होगी। अब हम यहां से स्टिचिंग शुरू करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ लगाती हूँ और फिर बताती हूँ। अब हमने ये देखिए, यहां से अब ऐसे इस साइड से ऐसे पहले सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इधर पट्टी के ऊपर फ्यूज पेपर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये फ्यूज पेपर पे अभी हम जो है उसको फिक्स कर रहे हैं। किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे
फ्यूज पेपर के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे और जहां तक ये इलास्टिक है वहां तक हम इसे सिलाई लगाएंगे। अब ये इलास्टिक तक हम आ गए, अब हम इस तरफ ऐसे टर्न कर लेंगे और इसको भी फोल्ड ऐसे लगा, ठीक है। इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे और अब ये जो है अब हम ये सारी गोल इलास्टिक और पट्टी को फ्यूज पेपर को ऐसे लगाते जाएंगे, फोल्ड किए जाएंगे साथ साथ और ऐसे। ये हमारी फ्यूज पेपर पट्टी जो है वो लग गई है। अब मैं ये गोल इलास्टिक को भी ऐसे ही साथ साथ पूरा सिलाई लगाऊंगी। ये इसी तरह ये गोल इलास्टिक जो है हम टर्न करते जाएंगे और साथ साथ लगाते जाएंगे। अब ये देखें हमारी ये बेल्ट जो है उसकी मुकम्मल सिलाई लग गई है। अब हम इस तरह इसके प्लेट्स को चुन्नट्स को ऐसे सेट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और अब इसके ऊपर सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे इस इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल ऐसे। ये सारे आपने ऐसे करके ऐसे ये घेंट लेना, सारी एडजस्ट हो जाएंगे चुन्नट्स, ठीक है। और अब ये मैं सेंटर में एक सिलाई लगाऊंगी। सिर्फ ये इलास्टिक तक जो है ना उस स्लाइड को ऊपर लगाएंगे, बस सिर्फ इलास्टिक तक, और बाकी हमारी ये फ्रंट की बेल्ट ये इसी तरह रहेगी, ठीक है। फ्यूज पेपर तक ये देखें ये। अब मैं इसकी लेंथ जहां तक ये देखें हमारी ये टर्निंग है ये देखें, ठीक है। ये चूंकि मैंने आपको बताया कि इसको पांचे को मैंने थोड़ा ओपन रखना है तो हमने ये 2 इंच ओपन के लिए ये जो सिलाई है वो ओपन छोड़ा है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह करके स्टिच करेंगे ये देखें। अब सबसे पहले मैंने इस सिलाई को ऐसे ओपन करके ऐसे जो है इसे प्रेस कर लिए, ठीक है। ये देखें प्रेस करने के बाद ये जो पहला मार्जिन है ये हमारा उसका है टर्न करने का, तो हम ऐसे इसे टर्न कर लेंगे। पहले इन सिलाइयों को ऐसे टर्न करेंगे, उसके बाद ऐसे जो हमारा मार्जिन टर्निंग का था उसको ऐसे टर्न कर लेंगे, ठीक है। टर्न करने के बाद इसको मैं प्रेस कर लूंगी, बिल्कुल इक्वल, ठीक है। ये अब ये ऐसे मैंने प्रेस कर लिया, ठीक है। अब प्रेस करने के बाद
अब ये देखे, इसे मैं ऐसे ओपन कर लूंगी और ऐसे ही ये जो हमने टर्न किया है इसको सबसे पहले इसको मैं सिलाई लगाऊंगी एक साइड को, इसको ऐसे ही रखूंगी ऐसे और यहां से यहां तक ये सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह मैं इसको भी इस तरह उल्टा कर लिया मैंने, फिर हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखें, ये अब मैं इस तरह करके इसको सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, ये सिलाई लगा ली है, अब इसको देखें इस तरह मैं ओपन कर लूंगी। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह हमारा ये टर्न हो जाएगा और इसे हम इसे नेडल की मदद से हम इसे तरपाई कर लेंगे। इसी तरह मैं इसको भी ऐसे ही ऐसे टर्न करके और ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। ये भी मैं आपको साथ देख ले, आप साथ साथ दिखाती हूँ। पहले एक साइड को हमने सिलाई लगाई है, फिर दूसरी साइड को लगा रहे हैं। ये देखें, इसको भी ऐसे ही सीधा कर लेंगे। अब ये देखें, ये हमारा ऐसे बहुत प्यारा ये जो है पांचे में कट बन जाएगा। ये हम ये देखें, ठीक है, और ये इस उल्टी तरफ से देखें, इसको हम इसी तरह इसे तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, तुरपाई करके मैं दोनों पांचे फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये मैं जो है 6.5 इंच पांचा रख के, तो अब ये मैं सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, आप 6 इंच भी रख सकते हैं, मैं 6.5 इंच रखूंगी, ये आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ मैं 6.5 इंच पे अब ये सिलाई लगाऊंगी।